Hello, children. How are you all? I hope you all are doing well. So, children, today in this class we are going to learn about fractions. So, let's start with that. If one whole thing is divided into more than one equal part, देन दीस पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस ओके बेटा जब एक कम्प्लीट चीज हमारे क्या होती है एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो भी बराबर बराबर तो वो हमारा कहलाता है फ्रैक्शंस लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली ओके सो दिस इज लेमन दिस इज कंप्लीट टू इक्वल पीसेस ऑफ लेमन ये इस नोने इसके बराबर बराबर हिस्से कर दिए हैं नाव फोर इक्वल पीसेस ऑफ फ्लेमन अब इसके फोर बराबर बराबर पार्ट्स हैं और लास्ट वन इज अन एकवल पीस ऑफ फ्लेमन और ये अनईक्वल है मतलब एक छोटा है एक बड़ा है थोड़ा एक किसी और से बड़ा है ओके द इक्वल एंड अनईक्वल पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस तो ये हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं इक्वल पार्ट एंड नॉन इक्वल पार्ट्स लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ होल अब हम होल के ये जो कंप्लीट हमारा होल होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे सबसे पहले आता है बच्चों हाफ ओके सो वन हाफ मीन्स वन आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ओके लाइक दिस दिस इज ट्रैंगल और ये हमारा बीच में से डिवाइड हो रखा है सो दिस इज हाफ पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो हाफ पार्ट सिमिलरली दिस इज सर्कल दिस इज हाफ पार्ट एंड दिस इज हाफ पार्ट टू

और नीचे टू का टू तु ही रहेगा टू में से टू अगर हम कट करते हैं देन वी विल गेट आर आंसर वन सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू हाफ मेक वन होल ओके आई होप यू अंडरस्टूड सो नाउ नेक्स्ट वन थर्ड मीन्स ओ ई वन टी एच आई आर डी थर्ड वन थर्ड मीन्स वन आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल लाइक ये कंप्लीट पिक्चर्स हैं इसके थ्री पार्ट्स हमारे कर हैं सो दिस इज वन पार्ट दिस इज टू पार्ट दिस इज थ्री पार्ट और दिस आर इक्वल ओके सिमिलरली ये सर्कल है ये वन थर्ड पार्ट दिस इज वन थर्ड दिस इज वन थर्ड ओके एंड सेम दिस वाला सो नाउ थ्री थर्ड्स मेक अ होल कह रहे हैं जब तीन पार्ट्स हमारे मिल जाते हैं They make a whole like one third plus one third plus one third means one plus one plus one is equal to three and three means three get one. Okay. I hope you understood the concept. Now one fourth. One fourth or a quarter means one out of four equal parts of a whole. Like this is one fourth, one fourth, one fourth and one fourth. You know ye ek hamare ek pix ke ek. फिगर के चार बराबर हिस्से हैं सिमिलरली ये हमारे सर्कल के चार बराबर हिस्से हैं और सेम विद दैट वन टू ओके फोर क्वार्टर्स मेक अ होल जब फोर क्वार्टर्स मिल जाते हैं वो हमारा होल बनाते हैं वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ लाइक फोर एंड दिस इज फोर तो फोर में से फोर गया वन ओके सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो वन फोर्थ नाउ फ्रैक्शन fraction is a number written in the form of numerator and denominator that is fraction is equal to hamara fraction of the numerator and denominator in the fraction 2 by 5 the upper part 2 is called numerator okay and the lower part 5 is called a ah, denominator okay beta i hope you understood so now next

एक की तो शेडेड पार्ट है सो हम लिखेंगे पार्ट ओके, एंड टोटल इक्वल इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स कितने इसके हमारे कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर फोर इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं हम लिख देंगे यहाँ पर फोर तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों वन बाय फोर क्योंकि फोर में से वन ही तो हमारा शेडेड है ओके सो दीज आर दर एग्जाम्पल यू हैव टू फील इट बाई योर ओन बेटा ओके सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन शेड हाफ पोर्शन ऑफ द फिगर अब हमें क्या करना है इस फिगर का जो दे रखा है इसका हाफ पार्ट को शेड करना है सो वी कैन सी दैट ये सर्कल है इसके कितने पार्ट्स हैं चार तो अगर मुझे इसको हाफ करना होगा तो मैं इसके हाफ पार्ट को शेडेड कर दूंगी लाइक दिस ओके एंड सेकेंड वन ये हमारे सिक्स बॉक्सेस हैं एंड दे टोटल आर इक्वल सो वी जस्ट यू नो सर्कल हाफ पोर्शन लाइक दैट सिमिलरली ये ट्रैंगल है तो हम इसके एक पार्ट को शेडेड कर देंगे ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट कलर टू शो द फ्रैक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू सो अब इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे सिक्स ट्रैंगल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं सिक्स का वन पार्ट ओके तो ये तो ऑलरेडी डन है सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट थ्री अपॉन फाइव दैट मीन्स दीज पिक्चर्स आर यू नो फाइव फिगर्स सो फाइव में से नाउ यू हैव टू कलर थ्री ऑब्जेक्ट सो नाउ सर्कल इट वन टू एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैम थ्री सो वी कैन से दैट नाउ इट इज थ्री बाई फाइव ओके सिमिलरली यू हैव टू फिल द अदर वन आल्सो, ओके सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओके सो दिस इज आर फर्स्ट फ्रैक्शन टू बाई थ्री सो न्यूमरेटर इज हमारा न्यूमरेटर बन गया टू सो राइट इट टू डिनोमिनेटर कितना है हमारा बच्चो येस थ्री सो राइट इट थ्री ओवर हेयर सिमिलरली यहाँ हमारा न्यूमरेटर हो गया टू यहाँ हमारा डिनोमिनेटर हो गया सेवन बिकॉज वी नो दैट अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वन ओके बेटा सो विद दिस वी एंडेड द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड वेल सो जस्ट यू नो डू प्रैक्टिस एंड रिवाइज ऑल अदर क्वेश्चन आंसर्स वेरी नाइसली